तो अभी हम लोग बात करने वाले चार्ल्सस लॉ के बारे में। चार्ल्सस लॉ को डिफाइन किया गया है कॉन्स्टेंट प्रेशर पर और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर। चार्ल्सस लॉ एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड चार्ल्सस लॉ एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। चार्ल्सस लॉ एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ये हमें बोलता है, चार्ल्सस लॉ एट कॉन्स्टेंट प्रेशर स्टेट्स दैट एट अ गिवन प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हमने कंसिडर किया एक सैम्पल, हमने कंसिडर किया एक कंटेनर, कंटेनर में हमने एनक्लोज किया एक गैस, और वो जो गैस का जो मास है वो एक पर्टिकुलर उसकी वैल्यू है, या फिर बोल सकते हैं वो गैस का कुछ मास है और वो गैस का कुछ प्रेशर है। तो जो गैस का जो मास और जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है या फिर बोल सकते हैं फिक्स्ड है। तो अगर किसी गैस का मास और प्रेशर अगर फिक्स्ड होता है तो उस केस में जो वॉल्यूम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ। वॉल्यूम अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिंपल वे में जो वॉल्यूम होता है प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ। सिमिलरली चार्ल्सस लॉ एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हमें क्या बोलता है, चार्ल्सस लॉ एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम स्टेट्स दैट एट अ गिवन वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ अ गिवन गैस हैविंग अ कॉन्स्टेंट मास इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पर हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, इसका मतलब हम लोग केल्विन स्केल कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। तो हमने कंसिडर किया एक कंटेनर, वो कंटेनर में रखा हुआ है गैस मॉलिक्यूल, और जो गैस का जो मास है वो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है गैस के मास की, और जो गैस का जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है। तो अगर गैस का मास होता है और वॉल्यूम अगर फिक्स्ड होता है तो उस केस में जो प्रेशर होगा प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के साथ। इसको मेमोराइज़ करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, जिसके हेल्प से आप ये चार्ल्सस लॉ को कभी भूल नहीं पाएंगे। हमें पता है प्राइवेट लिमिटेड PVT LTD। तो अगर हम लोग वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट कंसिडर करते हुए चले तो जो प्रेशर होगा प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के साथ। ये पी हमें इंडिकेट कर रहा है प्रेशर, वी इंडिकेट कर रहा है वॉल्यूम, टी हमें इंडिकेट कर रहा है टेम्परेचर। तो अगर हम लोग वॉल्यूम को कंसिडर करते हुए चले तो जो प्रेशर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के साथ, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। अगर वॉल्यूम अगर फिक्स्ड होता है तो जो प्रेशर होगा प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पर हमने वही डिस्कस किया, अगर वॉल्यूम अगर फिक्स्ड होता है तो जो प्रेशर होगा प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के साथ। सिमिलरली अगर प्रेशर अगर कॉन्स्टेंट होता है, प्रेशर अगर फिक्स्ड होता है तो जो वॉल्यूम होगा प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के साथ। प्रेशर अगर फिक्स्ड होता है तो जो वॉल्यूम होगा प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा तरीका कंसिडर किया जिसके हेल्प से चार्ल्सस लॉ को हम लोग ईजिली मेमोराइज़ कर सकते हैं। जिस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है उसको हम लोग बोलेंगे चार्ल्सस लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिस केस में प्रेशर कांस्टेंट है उस केस में हम लोग बोलेंगे चार्ल्सस लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी इसको हम लोग चार्ल्सस लॉ को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर समझेंगे, फिर उसके बाद ये वाला जो रिलेशन है और यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसको हम लोग ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया दो केसेस, यहाँ पर हमें चार्ल्सस लॉ को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर समझना है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया दो केसेस, यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह कंटेनर और यहाँ पर भी एक कंटेनर, ये दोनों कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स है। ये दोनों कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है और ये दोनों कंटेनर में जो नंबर ऑफ़ गैस मॉलिक्यूल्स है वो भी कांस्टेंट है। दोनों केसेस में जो नंबर ऑफ़ मोल है वो है कांस्टेंट और जो वॉल्यूम है दोनों केसेस में वो भी है कांस्टेंट। ये वाले केस में जो टेम्परेचर है वो है T1 और ये वाले केस में जो टेम्परेचर है वो है T2, और जो T2 जो टेम्परेचर है वो T1 टेम्परेचर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसका मतलब ये वाले सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कम है और ये वाला जो सिस्टम है इसका जो टेम्परेचर है ज़्यादा है। ये वाले केस में अगर प्रेशर अगर P1 होता है और ये वाले केस में अगर P2 प्रेशर होता है तो ये P1 प्रेशर और P2 प्रेशर दोनों में से कौन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों केसेस में, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, दोनों केसेस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्स्टेंट है और जो वॉल्यूम है वो भी कांस्टेंट है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले केस में जो टेम्परेचर है वो कम है। टेम्परेचर कम होने की वजह से होगा क्या, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम से कम होगी। हमने डिस्कस किया है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट में, अगर काइनेटिक एनर्जी अगर कम हो, अगर टेम्परेचर अगर कम होता है तो उस केस में जो गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में जो गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। तो ये वाले केस में जो टेम्परेचर है वो कम है जिसके वजह से जो गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी। गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से होगा क्या, जब ये मॉलिक्यूल ये दीवार के साथ टकराएंगे तो उस केस में जो गैस मॉलिक्यूल्स होगी वो कम से कम फोर्स इम्पार्ट कर पाएंगे ये कंटेनर के वॉल के ऊपर। तो ये वाले केस में जो फोर्स है वो कम है, तो ये वाले केस में अगर फोर्स अगर F1 होता है तो जो F1 फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो कम है, मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम होने की वजह से होगा क्या, जो नंबर ऑफ़ कलीजन होगा वो कम से कम होगा। कोई एक मॉलिक्यूल किसी दीवार से टकराएगा और बहुत कम से कम बार टकराएगा। मान लेते हैं ये जो मॉलिक्यूल है ये दीवार से टकरा रहा है और वो 5 बार टकरा रहा है, तो जो नंबर ऑफ़ कलीजन है ये वाले केस में वो कम होने वाला है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो कम है।
तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ कलीजन होगा वो कम होगा। तो ये वाले केस में जो फोर्स है वो कम है और जो नंबर ऑफ़ कलीजन है वो भी कम है। और ये वाले केस में हमने जो प्रेशर कंसिडर किया है वो है प्रीवन प्रेशर। अब तक के हमने डिस्कस नहीं किया ये वाले केस में प्रेशर ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, अभी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सिमिलरली ये वाले केस में क्या है, ये वाले केस में जो टेम्परेचर है वो है T2 और जो T2 टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ मोल्स भी सेम है। तो T2 टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से होगा क्या, ये जो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी इसका मतलब जब ये मॉलिक्यूल्स दीवार के साथ टकराएंगे तो उस केस में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर पाएंगे कंटेनर की वॉल के ऊपर। तो ये वाले केस में अगर फोर्स अगर F2 होता है तो जो F2 फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर आपको नहीं समझा ये वाले केस में क्या हो रहा था, जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये वाले केस में जो फोर्स था वो था F1 और इसका मैग्नीट्यूड कम था। क्यों कम था, क्योंकि जो टेम्परेचर था वो कम था और टेम्परेचर कम होने की वजह से मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड थी वो कम थी। स्पीड कम होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स थे जब ये दीवार के साथ टकरा रहे थे तो उस केस में जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे मॉलिक्यूल्स वो कम से कम था। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक मार्बल लो और वो मार्बल को आप किसी एक कांच पर हीट करो और हल्के से हीट करना, मतलब मार्बल लेना और वो जो मार्बल है आप उसको किसी कांच पर फेंकना और ज़्यादा तेज़ी से मत फेंकना तो जो कांच होगी वो टूटेगी नहीं क्योंकि वो कांच पर कम से कम फोर्स लग रहा है। सेम आप मार्बल लो और वो कांच पर फेंको वो भी बहुत ज़ोर से तो जो कांच होगी वो टूट जाएंगी क्योंकि आपने बहुत ताकत से वो मार्बल को फेंका। तो बेसिकली होगा क्या, जब वो मार्बल वो कांच के साथ टकराएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगी, फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो कांच होगी वो टूट जाएंगी। सेम कंसेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी है नहीं, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा नहीं होने की वजह से जब ये मॉलिक्यूल ये कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे तो उस केस में ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उतना फोर्स नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो ये रीज़न की वजह से जो फोर्स है फर्स्ट वाले केस में वो कम है। सेकेंड वाले केस में जो फोर्स है वो ज़्यादा है। फोर्स से ज़्यादा क्यों है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से होगा क्या, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये कंटेनर की वॉल के साथ ज़्यादा तेज़ी से टकराएंगे। ज़्यादा तेज़ी से टकराने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होंगे कंटेनर के वॉल पे ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर पाएंगे। तो ये वाले केस में अगर फोर्स अगर F2 होता है तो जो F2 फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली ये वाले केस में जो नंबर ऑफ़ कलीजन होगा वो ज़्यादा होगा। ये वाले केस में कोई मॉलिक्यूल किसी दीवार के साथ अगर 5 बार टकरा रहा था तो ये वाले केस में जो सेम मॉलिक्यूल होगा वो सेम दीवार के साथ 10 बार टकराएगा, 12 बार टकराएगा, क्योंकि ये वाले केस में जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो ज़्यादा है। यहाँ पर आप अपना कॉमन एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हो। तो ये वाले केस में जो नंबर ऑफ़ कलीजन है वो ज़्यादा है और ये वाले केस में जो फोर्स है वो भी ज़्यादा है। और ये वाले केस में नंबर ऑफ़ कलीजन कम है, ये वाले केस में जो फोर्स है वो भी कम है। क्यों कम है, क्योंकि टेम्परेचर कम है। तो ये वाले केस में अगर P1 प्रेशर होता है और ये वाले केस में अगर P2 प्रेशर होता है तो ये जो P2 जो प्रेशर होगा वो P1 प्रेशर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ करता है। अगर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स अगर कांस्टेंट हो, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, अगर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स अगर कांस्टेंट हो और अगर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो तो अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो जो प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ करती है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स होंगे कंटेनर की वॉल के साथ ज़्यादा तेज़ी से टकराएंगे, इसका मतलब फोर्स ज़्यादा होगा। फोर्स से ज़्यादा होगा उसका मतलब उसके साथ एसोसिएटेड जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली जो नंबर ऑफ़ कलीजन होगा वो भी ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो नंबर ऑफ़ कलीजन ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ़ कलीजन ज़्यादा होने की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो यही रीज़न की वजह से जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उस केस में जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ करता है। कंडीशन ये कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और जो वॉल्यूम है वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो इंक्रीज़, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रेशर फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम एंड फॉर कांस्टेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया जो प्रेशर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज प्रेशर डिक्रीज। हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का जो रेशियो है वो बराबर में होगा कांस्टेंट के। सिमिलरली अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर हमने जो चार्ल्स लॉ उसको हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा कि जो प्रेशर होता है प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ अगर मास कांस्टेंट हो और वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो। सिमिलरली अभी हम लोग देखेंगे कि जो वॉल्यूम होता है प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ अगर मास कांस्टेंट हो और प्रेशर कांस्टेंट हो तो। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक एग्जांपल, यहाँ पर यह है थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट पर है और यहाँ पर जो प्रेशर है वो है P1 और जो टेम्परेचर है वो है T1 और यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है वो है V। अभी होता क्या है
यहाँ पर ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, ये जो सिस्टम होता है, यहाँ पर हम लोग सिस्टम किसको बोल रहे हैं, यहाँ पर ये जो सिस्टम है, ये जो हमने कंसीडर किया है, जो हमने जो पिस्टन कंसीडर किया और ये जो हमने जो कंटेनर कंसीडर किया, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं अरे सिस्टम, या फिर ये सिंपल वर्ड में जो कंटेनर हम लोग एज्यूम करते हुए चल रहे हैं जिसमें पिस्टन लगा हुआ है, इसको ही हम लोग सिस्टम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये सिस्टम है अपने इनिशियल स्टेट पर है, प्रेशर है P1 और जो टेम्परेचर है वो T1 और जो वॉल्यूम है वो है V। सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर जाता है, टेम्परेचर होता है T2 और जो प्रेशर होता है वो होता है P2। तो जो T2 टेम्परेचर है और T1 टेम्परेचर के कंपैरिजन में ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो P2 प्रेशर होगा P1 प्रेशर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। अभी हमने डिस्कस किया टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा प्रेशर घटेगा। तो ये वाले केस में फाइनल स्टेट में टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब फाइनल स्टेट में जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, P2 प्रेशर है। मगर ये जो प्रेशर है वो हमें कॉन्स्टेंट रखना है, P2 प्रेशर हमें नहीं रखना है, हमें P1 प्रेशर ही रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पिस्टन है उसको हम लोग ऊपर कर देंगे। जैसे हम लोग पिस्टन को ऊपर कर देंगे वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा। ये वाले केस में अगर वॉल्यूम अगर V- होता है, ये वाले केस में अगर वॉल्यूम V- होता है और ये वाले केस में वॉल्यूम अगर V है, तो जो V- वॉल्यूम होगा V वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो हम लोग वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देंगे, जैसे हम लोग वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जैसे हम लोग वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, जो एरिया होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। एरिया इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। हमने वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया, वॉल्यूम इंक्रीज़ करने की वजह से एरिया इंक्रीज़ कर जाएगा, एरिया इंक्रीज़ करने की वजह से प्रेशर डिक्रीज़ कर जाएगा। और ये वाले स्टेट में जो प्रेशर होगा वो अगेन P1 होगा, जो कि इनिशियल स्टेट में था। तो अगर हमें प्रेशर को अगर कॉन्स्टेंट रखना है, अगर आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना है किसी सिस्टम में, तो टेम्परेचर के साथ साथ आपको वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट लाना होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो प्रेशर होगा, हम लोग बोल सकते हैं जो वॉल्यूम होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के साथ, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो। और साथ ही साथ हम लोग कंसिडर करेंगे जो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने चार्ल्स लॉ को समझा कि जो वॉल्यूम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ, अगर मास और प्रेशर कांस्टेंट हो तो। या फिर हम लोग बोल सकते हैं अगर सिस्टम का अगर हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो उस केस में वॉल्यूम के साथ साथ जो टेम्परेचर होगा उसे भी हमें वेरी करना होगा। तो यहाँ पर ये जो चार्ल्स लॉ के जो रिलेशन है इसको भी हम लोग ऑप्टेन करेंगे। तो इसको ऑप्टेन करने के लिए अगर हम लोग देखें, हम लोग कंसिडर करेंगे ये वाला रिलेशन, हमने डिस्कस किया था RMS स्पीड ऑफ अ गैस के कॉन्सेप्ट में, प्रेशर वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट ये बराबर में होता है 1/3। और यहाँ पर ये जो M है वो हमें इंडिकेट कर रहा है मास ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो हमें ये M इंडिकेट कर रहा है। समीशन i=1 to n, यहाँ पर ये ऊपर n होगा नॉट m, और यहाँ पर ये UI2। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया प्रेशर वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट 1/3, यहाँ पर ये m, i=1 to n, यहाँ पर ये UI2। यहाँ पर ये UI2 क्या हमें इंडिकेट कर रहा है, ये इक्वेशन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है RMS स्पीड ऑफ अ गैस वाले कॉन्सेप्ट में। तो ये जो UI2 है वो हमें इंडिकेट कर रहा है जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स है उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर। तभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो m है ये m के साथ हम लोग n को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा प्रेशर वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट 1/3, यहाँ पर ये n डिवाइडेड बाय n और यहाँ पर ये m, समेशन i=1 to n UI2। यहाँ पर हम लोग करके आ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ये वाले रिलेशन को ड्राइव कर रहे हैं, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो n है उसको हम लोग ये वाले टर्म के डिनोमिनेटर में भेज देंगे। तो ये जो टर्म है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया समेशन i=1 to n UI2 डिवाइडेड बाय n। तो ये वाला जो टर्म होगा बराबर में होगा V²RMS के। तो यहाँ पर ये जो n है उसको हमने ये वाले टर्म के डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, और ये जो है वो बराबर में V²RMS के। तो इसके जगह हमें मिल जाएगा V²RMS, और यहाँ पर ये जो n और ये जो m है, यहाँ पर ये n, ये जो n और ये जो m दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो उस केस में हमें मिल जाएगा टोटल मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो हमें मिल जाएगा प्रेशर वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट, ये बराबर में होगा 1/3 टोटल मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल V²RMS। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो P है उसको हम लोग m के डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो हमें मिल जाएगा V=1/3 m डिवाइडेड बाय P V²RMS। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो मास होगा वो कांस्टेंट होगा और जो प्रेशर होगा वो भी कांस्टेंट होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था जब वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ तो ये जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, और ये जो 1/3 ये भी कांस्टेंट है। तो ये सबको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग कंसिडर करेंगे वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू V²RMS। हमने डिस्कस किया है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट में, जो RMS स्पीड का जो स्क्वायर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ, गैस मॉलिक्यूल्स की जो RMS स्पीड का जो स्क्वायर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ।
तो ये वी स्क्वायर आर एम एस की जगह हम लोग पुट कर देंगे टी, तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू टी। यहाँ पर ये जो कर्सर जिस जगह पर मूव कर रहा है वो इक्वेशन, वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड एट कॉन्स्टेंट मास ऑफ अ गैस। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं चार्ल्स लॉ एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सिमिलरली अभी हम लोग ऑप्टेन करेंगे ये वाला रिलेशन, प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ़ वॉल्यूम इज़ फिक्स्ड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो स्टेप है इसको अभी हम लोग डायरेक्टली कंसिडर करेंगे, और यहाँ पर ये जो वी है उसको हम लोग एम के डिनोमिनेटर में भेज देंगे। तो मिल जाए पी इज इक्वल टू 1/3 एम डिवाइडेड बाई वी वी स्क्वायर आर एम एस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मास होगा और जो वॉल्यूम होगा वो कॉन्स्टेंट होगा जब जाके प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के साथ। तो ये 1/3 ये भी कॉन्स्टेंट, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ये भी कॉन्स्टेंट, हमें मिल जाएगा प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर आर एम एस। हमने डिस्कस किया था जो वी स्क्वायर आर एम एस होता है वो बराबर में होता है टी के, मतलब जो वी स्क्वायर आर एम एस होता है प्रोपोर्शनल होता है टी के साथ, या फिर बोल सकते हैं टी प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर आर एम एस के साथ। तो वी स्क्वायर आर एम एस के साथ हम लोग पुट कर देंगे टी। यहाँ पर ये जो कॉन्स्टेंट्स है इसको हमने हटा दिया, तो हमें मिला प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर आर एम एस, वी स्क्वायर आर एम एस की जगह पुट कर देंगे टी, तो हमें मिल जाएगा प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू टी फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमने चार्ल्स लॉ को ऑप्टेन किया फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पर हमने चार्ल्स लॉ को ऑप्टेन किया फॉर कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो चार्ल्स लॉ को मेमोराइज़ करने का, आप एग्ज़ाम में मेमोराइज़ करने का ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हो, आप इजीली अप्लाई कर पाओगे चार्ल्स लॉ क्या है।